न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शराब दुकानें 3 दिन तक रहेगी बंद। खापरखेड़ा में बिजली उत्पादन प्रभावित। बैंक से 30 लाख की धोखाधड़ी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विधान परिषद चुनावों के दौरान 3 दिन तक शराब दुकानों को बंद रखने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। महाराष्ट्र वाइन मर्चेंट एसोसिएशन की याचिका पर न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने अंतरिम आदेश में कहा कि 10 दिसंबर को मतदान के समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक और मतगणना के दिन चुनाव परिणामों की घोषणा होने तक शराब दुकानों को बंद रखा जाए। अगली खबर। बुधवार की दोपहर करीब 3 बजे के करीब 840 मेगावाट क्षमता के खापरखेड़ा पावर प्लांट के यूनिट 1, 2, 3 और 4 के मेन लाइन कन्वेयर बेल्ट में अचानक भीषण आग लगने से बिजली घर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर खड़ी दमकल की गाड़ियों ने तुरंत आग बुझाने की कार्यवाही शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार आग के चलते कन्वेयर की पुलिया भी ऊपर से नीचे गिर पड़ी। मेन लाइन के जलने से चारों यूनिट का बिजली उत्पादन पर काफी असर पड़ेगा। अगली खबर। सीतामढ़ी थाना अंतर्गत पहले से ही अन्य बैंक में गिरवी रखे प्लॉट पर 35 लाख रुपए का लोन लेकर 30 लाख रुपए का बकाया लोन चुकाने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के नाम समर्थ नगर रेशमबाग निवासी राजू गंगाधरे बागरे और रतन कॉलोनी महल निवासी धीरज प्रकाश बंगारे बताया गया। दोनों आरोपियों ने सिविल लाइन स्थित देना बैंक में महल स्थित अपने प्लॉट को गिरवी रखकर 35 लाख रुपए का मॉर्गेज लोन लिया था। लोन देने के बाद जब आरोपी किश्त चुकाने में आनाकानी करने लगे तो उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों की जांच की गई। पता चला कि उक्त प्लॉट पहले से ही गिरवी रखा गया है। ऐसे में आरोपियों को तत्काल सारा लोन चुकाने का नोटिस दिया गया। आरोपियों ने बैंक को 5 लाख रुपए दे दिए लेकिन बाकी 30 लाख रुपए के लोन चुकाने में टाल मटोल करने लगे। बार बार नोटिस के बाद भी जब दोनों आरोपी नहीं माने तो बैंक मैनेजर रुचि रामदीप शिवालिया की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसी के साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।